Hello and welcome to Computer Awareness. This is the 10th series of web designing. तो आज के इस टॉपिक में हम नेविगेशन बार के ऊपर थोड़ा काम करेंगे. चलो हम स्टार्ट करें. सीरीज में ये सब कंप्लीट किया था, जो फर्स्ट से लेकर नाइन तक हमने ये सब कंप्लीट किया था. आज हम करेंगे कि नेविगेशन बार यानी यहाँ पे ही जो नेविगेशन बार यानी जिसमें क्या आते हैं मेन्यूस आ जाते हैं उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे आज. चलो हम देखते हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हेडर है इसका यानी कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहे मुझे, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करती हूँ थोड़ा इसका कलर चेंज करती हूँ मैं, इसका ऑरेंज. कलर मैंने चेंज किया, ऑरेंज कलर रखा. चलो थोड़ा ये सही लग रहा है मुझे. चलो मैं सबसे पहले नेविगेशन बार के ऊपर मैं काम करती हूँ. यहाँ तक हमने किया था लास्ट में. आज हम यहाँ पे क्या करती हूँ, थोड़ा मैं इसका यानी मार्जिन सेट करती हूँ. यहाँ पे मार्जिन मुझे क्या चाहिए, 10 पिक्सल थोड़ा नीचे लाना है मुझे. मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, पहले ऐसे ही ये अब यानी जो इसकी पोजीशन से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, 10 पिक्सल आ गया थोड़ा नीचे. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, साथ ही साथ मुझे ये वाला मैं हटाती हूँ. टेन पिक्सल यानी हमारा नीचे आ गया. अब मुझे क्या करना होगा, मैं थोड़ा इसका हाइट भी मैं डिक्रीज करती हूँ, इसको मैं 30 पिक्सल रखती हूँ. देखते हैं इसमें क्या होता है. हो गया थोड़ा, यानी इसका हाइट भी थोड़ा कम हुआ. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मुझे नीचे से भी, सॉरी मैंने मार्जिन ही लिखा है, मुझे एक्चुअली मुझे यहाँ पे मार्जिन टॉप लिखना था, क्योंकि मुझे टॉप से यानी 10 पिक्सल नीचे लाना है. आ गया, टॉप से नीचे 10 पिक्सल आ गया. और मुझे नीचे से यानी टॉप भी क्या चाहिए, 10 पिक्सल चाहिए. बॉटम मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल. हाँ हो गया ये. अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे थोड़ा मैं इसका बॉर्डर लगाती हूँ. बॉर्डर हाइफन रेडियस 20 पिक्सल, यानी इससे क्या होगा थोड़ा राउंड हो जाएंगे. 20 पिक्सल यानी इसकी जो रेडियस से बॉर्डर की जो रेडियस से यानी कम होगी, थोड़ा राउंड जैसा बनेगी. रिफ्रेश करो, हो गया, यानी थोड़ा राउंड जैसा बन गया. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा पैडिंग लगाती हूँ ताकि इसमें थोड़ा स्पेस आ जाए. पैडिंग 10 पिक्सल. हो गया, थोड़ा स्पेस क्रिएट हुआ. अब हम यहाँ पे और एक चीज़ करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने नहीं किया था. हम यहाँ पे आ जाएंगे जो हमारा कंटेनर बार है इसका. सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका कलर चेंज करती हूँ. बैकग्राउंड कलर मुझे पिंक सही नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करती हूँ कलर, मैं इसका कलर लगती हूँ लाइट ग्रे. लाइट ग्रे, लाइट ग्रे कलर चाहिए. अब इसका कलर पिंक है, अब मुझे क्या करना है, लाइट ग्रे. हो गया, रिफ्रेश करने के बाद लाइट ग्रे हो गया. और साथ ही साथ मैं इस पे क्या करती हूँ, इस पर मैं थोड़ा पैडिंग लगाती हूँ. आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पैडिंग देने से ये क्या होगा, यानी इसका जो विड्थ थोड़ा बढ़
चलो मैं सर्च करती रिफ्रेश करती हूँ, देखो यानी ये जो साइड बार बिल्कुल नीचे चला गया और इसका यानी विड्थ बढ़ गया। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसकी जो मेन विड्थ है उससे थोड़ा यानी 20 पिक्सल हमें कम करना होगा। तो हमारा मेन विड्थ कितना है, 400 है। अब मैं यहाँ पे क्या रखती हूँ, 380 रखती हूँ, 20 पिक्सल यानी इससे लेस करती हूँ, ताकि इससे क्या होगा यानी ये अपनी जो पोजीशन पे, जो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। चलो मैं रिफ्रेश करती हूँ, देखती हूँ, देखो आ गया यानी ये अपनी जो पोजीशन पे आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा मुझे और एक चीज़ हमें करना होगा, वो है साइड बार पे। साइड बार को मैं थोड़ा इसका बड़िंग देती हूँ, इससे क्या होता है यानी थोड़ा इसका जो टैक्स और यानी डेव के बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट होगा। अब मुझे साइड बार पे जाएंगे और मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ, बैडिंग लगाती हूँ। फेडिंग 10px, इससे क्या होगा फिर से ये बाहर चला जाएंगे या नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है फिर से इस पर यानी 10 पिक्सल इस पर बैडिंग लगाया, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा इसकी जो विड्थ से थोड़ा कम करना होगा। इसमें 200 है इसलिए हम यहाँ पे 180 रखती हूँ, थोड़ा विड्थ डिक्रीज करती हूँ ताकि ये फिर से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। आ गया ये, यानी ये क्या हुआ यानी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। अब इसके बाद और एक चीज़ यानी हमें यहाँ पे करना भूल गया था, अब हम फिर से करती हूँ। यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा था हमने, जो कंटेंट बार में जो यहाँ पे मैंने ये कंटेंट लिखा था, इसका मैं थोड़ा फेस चेंज करती हूँ। वो कैसे चेंज करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी पार्ट 9 सीरीज में हम आप लोगों को बताया भी था, अब मैं फिर से भी बोलती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ लगाया था, अब मैं इस पर यानी इसको हम अपना जो मर्ज़ी हम कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे और एक चीज़ लगाती हूँ, जैसे ब्रश, आपको एटलिक या ऐसा कुछ बनना है तो आपको स्क्रिप्ट को यानी इसका फेस थोड़ा चेंज करना है तो स्क्रिप्ट हम इसको चेंज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट अंटी। इससे क्या होगा हमारा जो फोन का जो फेस है यानी थोड़ा कर्स्यू बन जाएगी, देखो बिल्कुल कर्स्यू बन गया। और फिर से इसी ओरिजिनलिटी पर लाने के लिए, इसी पहले वाले में लाने के लिए फिर से यही लगाना है, ऐसे यानी हम चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और एक चीज़ यहाँ पे हमने इसको मैं थोड़ा क्या करती हूँ, इसका कलर मैंने चेंज किया थोड़ा, मैं यानी टेक्स्ट को नीचे लाती हूँ, इसलिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे मार्जिन टॉप से मैं 10 पिक्सल नीचे लाती हूँ। चलो मैंने सेव किया कंट्रोल है, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो थोड़ा नीचे आ गया। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 20 पिक्सल मुझे नीचे लाना है तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल लाना है लिखना होगा, फिर इसके बाद अपनी आवाज़ आएंगी रिफ्रेश करने के बाद। अब इसके बाद मैंने पैडिंग भी लगाई और फोन फैमिली भी हमने चेंज करना आप लोगों को सीख लिया। हम यहाँ पे हम इस पर काम, यहाँ पे हमने इसका पहले भी किया था, अब इसको मैं और एक फोन देती हूँ, जैसे ये आ गया। मैं यहाँ पे देखते हैं इसका क्या है, कुछ नहीं हुआ शायद, ये गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
गुड़िया, मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिया। देखो इसका यानी फोन का जो फेस है बिल्कुल चेंज हो गया। इसी तरह यानी हम किसी भी टॉपिक को यानी किसी भी कंटेंट की यानी फेस को, इसकी कलर को, और इसकी फ़ोन का कलर भी हमने पिछली बार हमने बताया भी था आप लोगों को, कलर मैंने ग्रीन रखा था। चल मैं इसका अभी रखती हूँ ब्लैक। ऐसे यानी हम चेंज कर सकते हैं यानी अपने हिसाब से यानी अपनी मर्जी से इसका फ़ोन फेस, फ़ोन साइज, फ़ोन कलर हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, नेविगेशन बार में यानी हम मेन्यूज लगाएंगे। आज की टॉपिक में हमने क्या किया, नेविगेशन की जो नेव है उस बार को मैंने थोड़ा यानी नेविगेशन बार है उसको मैंने क्या किया, इसकी डेव को थोड़ा इस पर बॉर्डर लगाया और उसका इस पर पैडिंग्स लगाया। आज हमने पैडिंग्स के ऊपर काम किया और बॉर्डर किया, और हमने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट ये सब भी हम आप लोगों को बताया। और जब हम पैडिंग्स बढ़ जाते तो थोड़ा इसकी यानी विथ पर इफेक्ट पड़ते, उसको कैसे ओवरकम करते हैं उसके बारे में हम आज इस पार्ट सीरीज 10 पे यानी बताया। तो आने वाले पार्ट 11 में हम क्या करेंगे, नेविगेशन बार में यहाँ पे हमने मेन्यूज़ लगाएंगे। जैसे कि हम आमतौर पर यानी हमें देखने में मिलता है कि अक्सर वेबसाइट की जो मेन्यूज़ में क्या आ जाते हैं, नेविगेशन बार में यानी इसका मेन्यूज़ आ जाते हैं, जैसे लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, गैलरीज, ऑल दिस। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।